विद्यालय में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित कराने जाने के संबंध में एक आदेश आया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही बताना है, तो चलिए अच्छा पढ़ी देते हैं। थोड़ा लंबा 6 पन्ने का है। निःशुल्क मनिवार बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विभिन्न हकदारों आदि पर निगरानी व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों को नामांकन उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि और गृह कार्य और छात्र छात्राओं के अधिगम के स्तर में उद्देश्य से अध्यापकों और अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनमें उनके साथ पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों KGB विद्यालय के अभिभावक अध्यापक PTM आयोजित करने जानी है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की योजनाओं का लाभकारी प्रयासों का जन समुदाय तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन का वातावरण सृजित करना है और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय तथा अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास माता पिता अभिभावकों तक पहुँचाना है और जागरूक करना है। ठीक है, तो चलिए क्या है कार्य योजना और निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य योजना निर्माण क्या है, मुख्य विकास अधिकारी, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षकों वाली बात ही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम इसके बारे में ही बात कर लें। चलिए, ये आपके काम का नहीं है, हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम कोई और बात ना करें। चलो अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि क्या पता क्या चीज़ इम्पोर्टेंट, हमको तो पढ़ना ही है। खैर, कार्यक्रम की योजना के हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या करना है। कार्यक्रम की योजना क्या है, देखिए, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण एवं अनुसरण प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित किए जाएँ जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। सामान्य पर्यवेक्षण की स्थिति में समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक योजना विकसित कर दिनांक 30 जून 2023 तक पूर्व मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक कि वे उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी। विद्यालय नामित अधिकारी बैठक के दौरान वो स्वयं उपस्थित रहेंगे, बैठक संपन्न कराएंगे। बैठक के उपरांत अपनी आख्या 2 कार्य दिवसीयों के भीतर विकासखंड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक के व्यक्तिगत संपर्क और अन्य माध्यम से बैठक की तिथि के बारे में बैठक से 2 दिन पूर्व सूचित करेंगे। अभिभावक अध्यापक बैठक है तो राज्य जनपद ब्लॉक स्तर के कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं छात्र छात्राओं माता पिता अभिभावकों के बैठक प्रतिभाग हेतु प्रेरित करने और सहयोग लिया जाएगा। अभिभावक अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही बैठक संबंधी रजिस्टर निर्माण रूप से दर्ज की जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक से जनपद स्तरीय अधिकारियों को अनुसरण टीम गठित की जाएगी जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों के कम से कम 10% विद्यालयों में आयोजित अभिभावक और बैठक का अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुसरण की मॉनिटरिंग भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। विभागीय अनुसरण का विस्तृत विवरण बिंदु 3 में उल्लिखित है। अभिभावक का स्वागत अध्यापकों एवं समसी सदस्यों द्वारा किया जाए जिससे कि उनमें विशिष्टता का अभाव हो। कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में विद्यालय में सेवित क्षेत्र में मुनादी उद्घोषणा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना अध्यापकों को तथा SMC के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क अन्य व्यक्तिक संचार के समस्त अभिभावकों की बैठक प्रतिभाग हेतु किया जाए। कार्यक्रम का आयोजन के बारे में भी जान लीजिए क्या है। ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन क्या करना है, निर्धारित तिथि को 10 से 12 के अपराह्न तक अध्यापक अभिभावक की बैठक PTM आयोजित की जाए। बैठक में अभिभावकों बैठने हेतु कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाए। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्य स्थल, पता, मोबाइल नंबर, बैठक पंजिका अंकित किया जाए। बैठक में पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक और गतिविधियों तथा संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक खेलकूद उत्कर्ष करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। बैठक
में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार टू वे कम्युनिकेशन आधार अभिभावकों को अपना मत रखने का भी मैटर रखा जाए। बैठक में उपस्थित अभिभावकों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। तो चलिए इन चर्चाओं के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्या क्या चर्चा की जानी है। नंबर एक, क्या करना है, बच्चों के नामांकन उपस्थिति के ठहराव के बारे में बात कर लीजिए। विद्यालय में सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति और ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाए तथा उदासीन अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाए। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा पर माता पिता अभिभावकों बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। समुदाय अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना, उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया जाए। बच्चे प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चों को अधिगम स्तर की चर्चा की जाए। घर पर बच्चों की पढ़ाई और ध्यान देते हुए अभिभावकों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाए। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित और अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। ऐसे बच्चों को माता पिता अभिभावकों को पेटीएम में उपस्थित अवश्य सुनिश्चित की जाए। बैठक में ऐसे अभिभावकों को चर्चा कर बच्चों को विद्यालय न आने के कारण तो प्रयास किया जाए तथा बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाए। ठीक है, DBT के बारे में बता दीजिए। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म करें 300 रुपये की दर से, दो जोड़ी यूनिफॉर्म है तो 600 रुपये और स्वेटर 200 रुपये, जूता मोजा 125 रुपये, स्कूल बैग करें 175 रुपये, मात तथा 4 कापी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 इरेजर आदि की स्टेशनरी 100 रुपये मात, अर्थात कुल 1200 रुपये मात धनराशि DBT के माध्यम से अभिभावक खातों में सीटेड बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों को आधार बनवाने के बैंक खाते से सीट करवाने के लिए DBT के माध्यम से धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग, स्वेटर, स्टेशनरी क्रय के लिए प्रेरित किया जाए। निपुण भारत पर चर्चा कर लीजिए भाई। अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य को पूर्ण कराएं, बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हैं तो प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। ठीक है, आगे देखते हैं। सहयोग प्रदान करें, आगे क्या है, चलिए देख लीजिए। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, क्या करें। लेकिन शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए और पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य किए जाने के अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को WhatsApp ग्रुप से जोड़ा जाए, उन्हें विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कुछ शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संदर्शिकाओं में प्रिंट सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग प्रेरित किया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा। विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं तथा शुद्ध एवं स्वच्छ जल पेयजल बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण, CWSN शौचालय, रैम्प, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि बाल मैत्रिक अभिगमता के अनुसार निर्माण कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रति विकास हो सके। अभिभावकों से चर्चा की जाए कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं, यदि नहीं तो किन किन सुविधाओं को विकास कराया जाना अपेक्षित है। विद्यालय की साफ सफाई विस्तार पूर्वक चर्चा। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय, क्लीनर, टॉयलेट, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि उपलब्धता। आउट ऑफ स्कूल बच्चों पर शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में सेवित क्षेत्रों में समस्त 6 से 14 वर्ष की आयु में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति, ठहराव सुनिश्चित किया जाए। अभिभावकों को इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार अवगत कराया जाए। दिव्यांग बच्चों में समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ही दी जाने वाली सुविधाएं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु स्कर्ट अनाउंस, दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने, संचालित समस्त कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों घटकों की जानकारी अभिभावकों के साझा जिक्या है। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व के अभिभावकों को चर्चा की जाए। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक जानकारी प्रदान की जाए।
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंतः वैयक्तिक संबंध विस्तार पूर्वक चर्चा विद्यालय विकास योजना के बारे में भी बात कर ली जाए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, क्या करें। लेकिन अभिभावक अध्यापक एसएमसी के सदस्यों के सहयोग और समस्त बच्चों के विद्यालय में नामांकन उपस्थिति की बात की जाए, ठीक है। ये सारी चर्चा होने के बाद देखिए क्या क्या होना है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये प्रधानाध्यापकों के लिए है तो इम्पॉर्टेंट है। मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकसित योजनासार पेटीएम अनुसरण गठित टीम द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभागीय बैठकों का अनुसरण हेतु प्रत्येक एआरपी द्वारा कम से कम तीन पंचायत की कुल 10 विद्यालयों के बैठक में अनुसरण आख्या खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक एसआरजी द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के 10 विद्यालयों के बैठकों का अनुसरण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों के बैठकों का अनुसरण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 3 में से कुल ब्लॉक 3 ब्लॉक के 6 विद्यालयों के बैठक का अनुसरण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कराई जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों के बैठक का अनुसरण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय निदेशक समक्ष शिक्षा कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। प्रचार डाइट के द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के 4 विद्यालयों का अनुसरण जो है आगे उपलब्ध कराया जाए। सहायक निदेशक द्वारा कम से कम 2 जनपद के 4 विद्यालयों का अनुसरण की योजना इस प्रकार की जाए कि एक ही विद्यालय का अनुसरण 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता द्वारा एआरपी एसआरजी खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या संकलित करते हुए जनपद के संकलित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय समक्ष शिक्षा upefaspo@gmail.com पर जो है निवेश उपलब्ध कराई जाए। और बैठकों के फोटोग्राफ जो है प्रेरणा पोर्टल पर एसएमसी मॉड्यूल पर अपलोड करना सुनिश्चित करना है। वित्तीय निर्देश के बारे में भी बात कर लेते हैं, काला काला जो लिखा वही पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है बैठक का आयोजन हुए निर्धारित धनराशि प्रति विद्यालय 500 रुपया की दर से सीख प्रेषित होगी, अतः निर्धारित समय के अंतर्गत उपयुक्त आयोजन जो है करना है, ठीक है। सुनिश्चित करते हुए विकास खंड के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक वित्त 500 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ऐसे लंबा हो गया है।